आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 15 जिसका नाम है सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया अनुरूपता अनुपालन एवं आज्ञापालन से परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। इससे पहले हम लोगों ने 14 पाठ तक के जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था सब पर चर्चा कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी चैप्टर संख्या 15 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है सामाजिक प्रभाव क्या है। प्रश्न है सामाजिक प्रभाव क्या है या सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे व्यवहार एवं अनुभूतियां, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे व्यवहार एवं अनुभूतियां अन्य लोगों की काल्पनिक मतलब दूसरे लोगों की काल्पनिक या वास्तविक उपस्थितियों में से वास्तविक उपस्थितियों से प्रभावित होती है सामाजिक प्रभाव कहलाता है। मतलब दूसरे लोगों के उपस्थिति में, इसको अन्य शब्दों में आप लिख सकते हैं आसान शब्दों में कि दूसरे लोगों की उपस्थिति में एक व्यक्ति के प्रभाव को प्रभावित होने की प्रक्रिया सामाजिक प्रभाव कहलाता है। दूसरा प्रश्न है अनुरूपता क्या है और इसके प्रमुख घटक कौन कौन है। अनुरूपता क्या है और इसके प्रमुख घटक कौन कौन है। आपका उत्तर होगा अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष रूप है। अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष रूप है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के जैसा बनाने का प्रयास करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के जैसा बनाने का प्रयास करता है तो इसको हम अनुरूपता के नाम से जानते हैं। और अनुरूपता के 5 घटक हैं। पहला समूह का आकार, दूसरा अल्पसंख्यक समूह का आकार, तीसरा कार्य की प्रकृति, चौथा व्यवहार की सार्वजनिक या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और पांचवा है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है अनुपालन क्या है। तीसरा प्रश्न है अनुपालन क्या है या अनुपालन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा अनुपालन एक प्रक्रिया है। अनुपालन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति मानक की उपस्थिति में भी दूसरे व्यक्ति या समूह के अनुरोध के प्रतिउत्तर में व्यवहार को इंगित करता है। अनुपालन एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिसमें दूसरे व्यक्ति या समूह के अनुरोध के प्रतिउत्तर में व्यवहार को इंगित करता है। और अनुपालन के घटक है प्रवेश पाने की प्रविधि, अंतिम समय सीमा प्रविधि, वार्ता अस्वीकरण और प्रबंधन की तकनीक। चौथा प्रश्न है आज्ञा पालन क्या है। आज्ञा पालन क्या है या आज्ञा पालन से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा वैसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने से बड़ों जैसे माता पिता, भाई बहन, अध्यापक या प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों को मानता है। मतलब आज्ञा पालन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति के आदेशों को पालन करता है, उनके द्वारा कहे गए बातों को मानता है, उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलता है, आज्ञा पालन कहलाता है। और अंतिम प्रश्न है चैप्टर नंबर 15 का लोग आज्ञा का पालन क्यों करते हैं।
लोग आज्ञा मतलब आदेश, आज्ञा मतलब आदेश, लोग आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? आप लिखेंगे लोग निम्नलिखित कारणों से आदेश का या आज्ञा का पालन करते हैं। पहला, व्यक्ति आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह महसूस करता है कि स्वयं के क्रियाकलापों के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं, वे केवल आप्त व्यक्ति के द्वारा निर्गत किए गए मतलब दिए गए आदेशों को पालन करता है। दूसरा, कई बार घटनाएं इतनी परिवर्तित होती हैं कि वहां आज्ञा पालन करना अनिवार्य हो जाता है और नहीं मानने पर दंड का भागी होता है, इसलिए आज्ञा पालन करता है। तीसरा, सामान्यतया आप्त व्यक्ति के मतलब बड़े व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा का प्रतीक के कारण कि जो हमसे बड़े हैं वह आदरणीय है, सम्माननीय है, प्रतिष्ठित हैं, इस कारण भी उनके आदेश को उनकी आज्ञा को पालन करता है। और चौथा, प्रारंभिक आज्ञा पालन अनुसरणकर्ता को प्रतिबद्धता के लिए बाध्य करता है। तो इन्हीं कारणों से एक व्यक्ति किसी की आज्ञा के या आदेश को पालन करता है। तो ये 15 पाठ में ये 5 ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे और परीक्षा में इसी में से प्रश्न पूछ जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको गौर से सुन लेंगे और यदि समय मिले, सक्षम हो, तो अपने कॉपी पर इसको लिख लेंगे ताकि परीक्षा के समय बार बार दोहराने में आपको सहूलियत होगी। धन्यवाद।